हम शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां पर कई राउंड फायरिंग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। काकोरी क्षेत्र के गुरदीन खेड़ा निवासी रामजीवन लोधी को पूर्व प्रधान समशेरा यादव ने गोली मार दी और इस दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आप लोग ट्रॉमा सेंटर लाया गया, लेकिन इन्हें वहां से विजिट घोषित कर दिया गया। समस्त विजिट कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही कितने राउंड गोली चली है सर, कहाँ कहाँ गोली चली? इसका पंचायत और पोस्टमार्टम जो होगा उसमें पता चलेगा कि कितने राउंड गोली चली है। और सर, जो पहले से विवाद चल रहा था या आज ही जो विवाद हुआ उसकी बात जानकारी की जा रही है? पहले बात कहा था अभी स्पेशल तुरंत की घटना है। अभी ये पता चला है कि मनरेगा काम करते थे और वो पूर्व प्रधान। अभी सारी चीजों की ऐसा बताया गया है, हमारी टीम मौके पे है और हम आवश्यक यदि कहते हैं ब्रॉड डेट है ना, तो उसके पोस्टमार्टम के बाद ही इस चीज स्पष्ट होगी। पंचायतनामा रेगुलर वही खबर बलिया के सिकंदरपुर से है, जहां पर स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएमओ जयंत कुमार ने औचक निरीक्षण किया है और उन्होंने बताया है कि सीएचसी में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हो चुका है। डॉक्टर भारती सिंह की जो सूचना मिली उनकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। रेगुलर विजिट है हमारी, जिसमें कि जब पहली बार आया था तो इसमें बहुत सी कमियां थी यहाँ पे। इस बार हमारे सेकंड राउंड में यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे चिकित्सक ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत बढ़िया ओटी की, डिलीवरी रूम की व्यवस्था कर रखी है, जिससे कि अधिकतम डिलीवरी यहाँ हो रही है। हमारी जनता की सेवा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हो रही है। और आज संडे है, मेला भी आज लगता है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो अभी हम जा रहे हैं मेला देखने जा रहे हैं कि हमारे मेले में कितने लोग आए हैं। जाँच टीम बनी है, जाँच टीम अपना कार्रवाई कर रही है। ये डीएम मैम ने भी एक टीम बनाई हुई है जो कि अपनी जांच प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जैसा ये रिपोर्ट देंगी उसी के अनुसार कार्रवाई होगी और निश्चित दोषी व्यक्ति को सजा जरूर कहीं लिखी जा रही है। तो ये चेतावनी हमने सभी अपने अधीक्षक को और साथ साथ अपने सभी चिकित्सक को दे रखा है। मैं और सरकार जो कर रही है कि अधिकतम दवाइयाँ भेज रही है जो कि मैं यहाँ पहुँचा रहा हूँ और उसको हमने अभी जाँच किया है, तो अधिकतम दवाइयाँ यहाँ पे है जिससे कि जनता को यहीं से दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। लखीमपुर खीरी में किसानों ने चीनी मिल के जीएम का घेराव किया है। सरयू सहकारी चीनी मिल के न चलने से नाराज किसानों ने पूर्व उपाध्यक्ष अमनदीप सिंह के नेतृत्व में चीनी मिल के जीएम का घेराव किया है। बता दें कि बीते 25 नवंबर को मिल प्रशासन के द्वारा नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया था, वहीं 10 दिन बीत जाने के बाद भी चीनी मिल सुचारू ढंग से नहीं चले, जिससे कि किसान काफी नाराज हैं। साथ ही किसानों ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। खबर मथुरा से है, जहां पर पुलिस ने एक विदेशी शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। वही पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के पास 320 पेटी अवैध शराब भी बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 24 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभियुक्त मूल रूप से नेपाल देश का रहने वाला है, वर्तमान में दिल्ली में किराए के मकान पर रहता था। हालांकि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू की गई। जनपद की स्वाट टीम और थाना सेवर की पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए एक तस्करी की जा रही शराब का एक बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा है। ट्रक जिसमें 320 पेटी शराब जो 750 ml और 500 ml के डिनोमिनेशन पर जो बोतलें थी उसको बरामद किया है। इसकी बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 24 लाख रुपए थी। ये सोनीपत हरियाणा से आ रही थी, चंडीगढ़ मेड इसमें वर्षित है और ये छत्तीसगढ़ जाने वाली थी। एक अपराधी दीपक बडोला इसमें पकड़ा गया है, ये नेपाल का रहने वाला है। इससे कुछ डिटेल मिली है, इस पर हम काम कर रहे हैं और सप्लाई साइड में जो अभियुक्त है, साथ ही साथ जहां ये जा रहा था
असाइनमेंट जहाँ जा रहा था, जो डेस्टिनेशन था उस साइड में भी जुड़े जो लोग हैं उनकी हम लोग उनका नाम जो है हम लोग पता करके उनको प्रकाश में लाएंगे तथा उनको भी गिरफ्तार करेंगे। साथ ही साथ इस तरह के ऑफेंसेस में हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और अभी इस अभियुक्त की गिरफ्तार किया गया, इसको जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधि कार्रवाई। देखिए अभी जो आया था इस कंसाइनमेंट के बारे में भी केवल जानकारी मिली जो कि छत्तीसगढ़ में आ रहा था। जैसा मैंने बताया कि इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के बारे में हम लोग जानकारी। खबर जवान से है जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी है और इस दौरान बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर के नजीबाबाद में हरिद्वार रोड स्थित सहनपुर के पास युवा हॉस्पिटल खुला है जिसका उद्घाटन बीएसपी सांसद गिरीश चंद ने किया। इस मौके पर सांसद गिरीश चंद ने कहा कि युवा हॉस्पिटल के डॉक्टर गुलरेज सिद्दीकी, डॉक्टर शकीबा परवीन से उम्मीद है कि वह अच्छा कार्य करेंगे और हॉस्पिटल के जरिए गरीब लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद भी करेंगे। मरीजों को अच्छा इलाज हो और जो परेशान लोग हैं उनकी रक्षा वो इलाज करके उनकी मदद भी करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनका जनता में लोगों से आपसी प्यार है, निश्चित तौर पर ये हॉस्पिटल नजीबाबाद में एक अपना मुकाम हासिल करेगा। इसी वजह से फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।